हीरो की तरह दिखने वाले लड़के मंदसौर की दुकानों पर खरीदी के नाम पर कर रहे ऑनलाइन ठगी। सीसीटीवी कैमरे में ठगी करने वाला आरोपी हुआ कैद। मंदसौर कोतवाली थाना क्षेत्र के नई आबादी स्थित गुरु नानक स्पोर्ट्स की दुकान पर आज एक युवक स्केटिंग खरीदने दुकान पर पहुंचा और दुकान के अंदर रखी स्केटिंग उठा ली और दुकानदार से कहा कि इसका क्या रेट है, जिसके बाद दुकानदार ने 4000 रुपए उस स्केटिंग की कीमत बताई गई, जिसके बाद ऑनलाइन डालने के नाम पर युवक ने 4000 रुपए की ठगी व्यापारी से करी है एवं 4000 रुपए का ऑनलाइन डाला हुआ स्क्रीनशॉट व्यापारी को दिखा दिया, जिसके बाद व्यापारी संतुष्ट हो गया और तेजी से युवक वहां से कार में बैठकर निकल गया। यह कार भी बिना नंबर की थी। सूचना के बाद कोतवाली थाने पर एवं पुलिस कंट्रोल रूम पर इसकी शिकायत की गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से घटना करने वाले व्यक्ति की तलाश कर रही है। बताया गया कि जो ऑनलाइन पैसे युवक ने डाले, न उसका व्यापारी के पास मैसेज आया, न उसके अकाउंट में पैसे आए। व्यापारी ने इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है एवं आरोपी पर कार्रवाई की मांग की है एवं व्यापारियों को सतर्क रहने की अपील की है। मेरा नाम है प्रीत छाबड़ा जी। कहाँ पर शोरूम और क्या घटना हुई? एक्चुअली घटना हुई है कि दुकान पे 3-4 कस्टमर खड़े थे तो, और मैं अकेला था और लड़का भी एक ही था शोरूम पे, और एक लड़का बाहर कस्टमर का माल छोड़ने गया था बस स्टैंड पे। तो इतने में दो लोग आते हैं जो कि गाड़ी आगे खड़ी करते हैं, आगे गाड़ी पार्क करते हैं। एक लड़का फटाफट आता है दुकान पे और वो बोलता है कि पहले तो मेरे को थारा बैंड बताओ। तो फिर मैंने कहा 2 मिनट में बताता हूँ। थारा बैंड बताया तो थारा बैंड बोले कि मेरे को थारा बैंड नहीं चाहिए, आप तो वो खुद ही स्केटिंग निकाल के ले आया। तो मैंने कहा बड़ा भैया आप तो बहुत बड़े हो, आप स्केटिंग कैसे चलाओगे? तो वो बोलता है कि मैं तो चला लूँगा स्केटिंग। मैंने कोई बात नहीं। तो बोला कितने का है? मैंने कहा 4000 रुपये का है। तो फिर उसने स्केटिंग लिया, बोला कि कहाँ डालना पेमेंट? मैंने कहा बारकोड पे डाल दो। तो इतने में मैं कस्टमर संभाल रहा था, इतने बारकोड पे उसने पेमेंट करा कि नहीं करा? हालांकि पेमेंट करा नहीं, पेमेंट आया नहीं और भजा भी नहीं और अपने अकाउंट में भी नहीं आया। तो इतने में फटाफट गाड़ी आगे पार्क कर रखी थी और फटाफट लेके वो चला गया और अकाउंट पेमेंट नहीं आया। सीसीटीवी कैमरे में वो संदिग्ध है पूरा। और अपन तो ये चाहते हैं कि जितने भी दुकानदार है, आज हमसे गलती हुई है कि हमने चेक नहीं किया और कस्टमर में हम लोग बिजी थे थोड़ा सा, तो उसमें रह गए। और पुलिस को शिकायत की है। कोतवाली पुलिस अभी अंदर आई है, चेकअप कर रही है, चेक कर रही है। तो बस मैं दुकानदारों से यही बोलना चाहूँगा कि आप प्लीज़ अपना पेमेंट पहले मोबाइल में चेक करें, उसके बाद ही विश्वास करें। थैंक यू वेरी मच।